हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृश्या किचन। और आज हम जो बनाने जा रहे हैं वह सेहत से भरपूर और स्वास्थ्यवर्धक है। बच्चे से लेकर बूढ़े तक भी इसे पसंद करेंगे और कैल्शियम और न्यूट्रिशंस से भरपूर। तो ये बनने वाला है आज हमारा रागी का हलवा। यह करीब 1 कप मैंने रागी का आटा लिया है। यह थोड़ा डार्क कलर का होता है। मैंने इसको छान रखा है। वहीं दूसरी तरफ मैंने अपनी कढ़ाई भी गर्म करने रख दी है। अभी कढ़ाई मेरी गर्म होना शुरू हुई ही है। हमें इसे मीडियम गैस पर ही डार्क करना है। मैंने अभी इसमें कुछ नहीं डाला है। सबसे पहले मेरा 1 टेबल स्पून के करीब देसी घी जाएगा। याद रहे, हमें इसे देसी घी में ही भूनना है। देसी घी से टेस्ट और इसका महक दोनों ही बढ़ जाती है। मैंने अभी इसे 1 टेबल स्पून ही देसी घी ऐड किया है। आगे का देसी घी मैं बाद में ऐड करूंगी। सबसे पहले हमें इसे मीडियम गैस पर लाइट ब्राउन करना है। और लाइट ब्राउन करते वक्त हमें गैस की फ्लेम बिल्कुल भी ज़्यादा हाई नहीं करनी है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा हाई करेंगे तो वो आटा जल जाएगा, ना कि सही से पक पाएगा। अब आप कहेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा आटा भुनकर अच्छे से तैयार हो चुका है। तो इसका एक सिंपल सा एक तरीका है कि जब घर में एक हल्की सी महक आने लग जाए, आपको फील आने लग जाएगा कि आटा भुन गया है। क्योंकि यह डार्क कलर का होता है, हमें नहीं पता चलता कि हमें इसे कितना और डार्क करना है। जब हमारा घी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो वह कढ़ाई छोड़ने लग जाएगा। और कढ़ाई छोड़ने के बाद इसका कलर हमें समझ में आने लगेगा कि हमें और कितना डार्क इसे रखना है। मेरा जैसे ही आटा भुनता जा रहा है, एक घर में महक आती जा रही है। ये कलर भी चेंज करता हुआ जा रहा है। आपको लगे जब इसका कलर चेंज हो गया है, तो बस हमने जिस कटोरी से इसका मेजरमेंट किया था उसी कटोरी से हमें आगे का सभी का मेजरमेंट करते हुए जाना है। यहाँ मैंने करीब 1 कप रागी का आटा लिया है, तो करीब 1/2 कप मैं यहाँ पर शुगर ऐड करूँगी। हम जब भी हलवा तैयार करते हैं तो 1 कप आटा लेते हैं तो 4 कप हम पानी लेते हैं, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ 2 कप ही पानी इसमें ऐड कर रही हूँ। अब आप कहेंगे, अरे 2 कप पानी में तो यह बिल्कुल भी अच्छे से पक्का तैयार नहीं होगा। तो टेंशन मत लीजिए, थोड़ा रुकिए, आगे अभी वीडियो बाकी है। जब हम यहाँ हेल्दी हलवे की बात कर रहे हैं तो हमारा हलवा रियल में हेल्दी होना चाहिए। तो मैंने यहाँ मेजरमेंट के अकॉर्डिंग जब 2 कप पानी ऐड किया है तो मैं 1 कप के करीब यहाँ पर दूध ऐड कर रही हूँ। वैसे इस हलवे का मेजरमेंट हमें हमेशा 1 कप आटा तो 3 कप हमें पानी ही रखना है। लेकिन अगर बच्चे के साथ साथ बुजुर्ग लोग भी हैं तो थोड़ा सा पानी एक्स्ट्रा ऐड कर दें, जैसे 1/2 कप आप ऐड और कर सकते हैं। आप देखेंगे मैंने यहाँ चीनी सिर्फ 1/2 कप ही ऐड करी है, जो इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग थोड़ा कम है। क्योंकि मैं यहाँ हेल्दी हलवे की बात कर रही हूँ तो मैं यहाँ चीनी के साथ थोड़ा सा गुड़ ऐड कर रही हूँ। आप अपना इसमें गुड़ अगर अच्छा पसंद करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं और चीनी थोड़ा और भी कम कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ मैं 50-50 अपना सब कुछ ऐड कर रही हूँ। यहाँ थोड़ी सी चीनी तो थोड़ा सा मैंने गुड़ भी ऐड किया है। अब यहाँ हमें इसे लगातार चलाते हुए अच्छे से पका लेना है। आप देखेंगे कि जब मैंने गुड़ की डेलियाँ डाली हैं वो ऐसे ही डाल दी हैं। इसका रीज़न ये है कि जैसे जैसे हमारा गुड़ मेल्ट होता जाएगा, हलवा भी हमारा साथ ही साथ पकता हुआ जाएगा। मैंने यहाँ 1/2 कप पानी की बात और करी थी, तो मैंने यहाँ 1/2 कप पानी और डाल दिया है, यानी 3 1/2 कप मैंने सब कुछ इसमें पानी और आटा मिक्स किया है।
आप नोटिस करेंगे जैसे जैसे हलवा पकना तैयार होता जा रहा है, गुड़ धीरे धीरे मेल्ट होता जा रहा है और गुड़ के साथ साथ आप देखेंगे हलवे का कलर भी चेंज होता जा रहा है। बस हमें लगातार चलाते हुए इसे अच्छे से पकाना है। और लगातार चलाने का एक रीज़न ये भी है कि इसमें छींटें बहुत आती हैं, तो उसे चलाते रहेंगे तो छींटें बिल्कुल भी नहीं आएंगी। लगातार चलाते रहने से देखिए हलवे में एक नया और ग्रेसी लुक आने लगा है। और हमें इसे अच्छे से पका लेना है जब तक कि ये कढ़ाई को थोड़ा थोड़ा छोड़ने ना लगे। देखिए मैं अपने हलवे को लगातार चलाती जा रही हूँ और अभी भी इसमें गुड़ की जो डेली मैंने डाली थी वो अभी सही से मेल्ट नहीं हुई है, तो इसका मतलब मुझे ऐसे और भी अभी चलाते रहना है। जब आपको लगे कि आपका हलवा अब कढ़ाई को छोड़ने लगा है, गुड़ की डेली अच्छे से मेल्ट हो गई है, तो यहाँ पे मैं 2 टेबल स्पून के करीब देसी घी ऐड करूँगी। ज़्यादा देसी घी मैं ऐड नहीं करूँगी क्योंकि हमें हेल्दी बनाना है। मेरा तो घर बहुत ही महक रहा है इस हलवे की महक से। और ये देखिए देसी घी डालने के बाद तो इसमें अलग ही लुक आता जा रहा है। आप देखेंगे मेरा हलवा अच्छे से पककर तैयार होता जा रहा है। और अगर आप चाहें तो आपको थिक हलवा या बर्फी स्टाइल में चाहिए तो आप इसमें पानी थोड़ा कम ही ऐड करें, लेकिन मेरे को तो ये हलवा इसी तरीके से भाता है और टेस्टी भी लगता है। मैंने इसे दोनों तरीके से ट्राई किया है लेकिन सबसे बेस्ट लुक और टेस्ट मेरे को इसी में आया है। आप देखेंगे कढ़ाई में अब छींटें थोड़ी कम उठने लगी हैं। बस अब मेरे को यहीं तक इसे पकाना है। चलते हैं प्लेटिंग की तरफ। और प्लेटिंग में ड्राई फ्रूट्स में सबसे पहले ऊपर से ऐड करूंगी, आप चाहें तो अंदर भी ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स लीजिए तैयार है मेरा रागी का हलवा। मैं तो चलिए इसे सर्विंग की तरफ। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।